नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका हमारे स्लार क्रिएशन चैनल में। आज हम आपके लिए नई डिजाइन का थाल आज हम आपको ये तीन तरह की पत्ती बुनना सिखाएंगे। पहले हम ये पत्ती बुनेंगे, 11 फंदे की चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। अब इसे पहले वाले फंदे से डाल करके जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे। फिर देखिए हाफ क्रोशिया, इसमें हम छेद में 13 हाफ क्रोशिया, एक दो तीन, 13 क्रोशिया बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। 13 क्रोशिया हमने इसमें बुन ली है, अब इसे यहाँ से डाल करके जोड़ देंगे। अब यहीं से सेकेंड कलर की ऊन जोड़ेंगे। आप जो भी अपना सेकेंड कलर लगाना चाहती हैं यहीं से जोड़ लीजिए। ऊन हमने यहीं से जोड़ ली है। अब 14 फंदे की चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। अब देखिए ये सीधी साइड है, उल्टी साइड में घुमाएंगे, उल्टी साइड में इसी छेद में डाल करके इसे जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब फिर से सीधी साइड में घुमाएंगे, फिर एक हाफ क्रोशिया बुनेंगे। पहले फंदा लेंगे, 9 क्रोशिया बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये 9। अब देखिए यहाँ पे कैसे एक और दो बार फंदा लपेटेंगे, दो से निकालेंगे फंदा, फिर दो से निकालेंगे, फिर दो से निकालेंगे, एक दो तीन बार फंदा लेंगे, तीन बार फंदा लेंगे, दो से निकालते जाएंगे। अब फिर से दो बार लेंगे, अब फिर से 9 क्रोशिया बुनेंगे, एक दो तीन देखिए तीन चार पाँच छः सात आठ और ये 9। अब फिर से एक हाफ क्रोशिया बुनेंगे, देखिए अब इस छेद में डाल करके इसे जोड़ देंगे। फिर पीछे की साइड में घुमाएंगे और देखिए इस तरह से डालेंगे फंदा, फिर से एक बार जोड़ देंगे। देखिए पत्ती कंप्लीट है। अब ये फंदा हम अब दूसरी पत्ती आपको बुनना सिखाएंगे। सबसे पहले हम 13 फंदे की चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये 14। अब इसे यहाँ से डाल करके पहले जोड़ देंगे और फिर एक हाफ क्रोशिया बुनेंगे, फिर ऐसे ही 10 क्रोशिया बुनेंगे, एक दो
चार, पांच, छः, सात, आठ, आठ और ये नौ, और एक और दस बनना है। फिर देखिए एक दो बार फंदा लपेटेंगे, एक दो, फिर दस क्रोशिया बनेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और ये दस। फिर से एक हाफ क्रोशिया बुनेंगे। देखिए फिर पीछे की साइड में घुमाएंगे और देखिए पीछे से, अब देखिए किस तरह से बुनना है। ये फंदा जो है इसमें लेंगे और हाफ क्रोशिया बुनेंगे, फिर धागा लेंगे और देखिए पीछे का ये फंदा है इसमें डाल करके बुनेंगे, ये आगे वाला छोड़ देंगे पीछे वाले में डाल करके बुनेंगे, फिर दो से निकालेंगे एक, फिर अगले फंदे में डालेंगे दो, फिर अगले फंदे में डालेंगे तीन चार पांच छः सात आठ और ये नौ। अब आते हैं इसके बीच वाले फंदे पे। देखिए दो बार फंदा लेंगे, दो से निकालेंगे, फिर दो से निकालेंगे, फिर दो से निकालेंगे, फिर दो बार फंदा लपेटेंगे और उसी छेद में डाल करके फिर से बुनेंगे। अब फिर से नौ क्रोशिया हर फंदे में डाल करके, एक पीछे से डालना है, देखिए एक और ये दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये नौ। अब फिर से ये छेद है लास्ट का, इसमें डाल करके हाफ क्रोशिया बुनेंगे। अब देखिए किस तरह से बुनना, इसमें डालेंगे और इसे जोड़ देंगे और फिर यहाँ से डालेंगे और इसे जोड़ देंगे। ये देखिए ये पत्ती भी हमने कंप्लीट कर ली है, देखिए ये पत्ती भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसकी ये वाली पत्ती बुनेंगे, पहले 12 फंदे की चैन लेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये 12। अब इसे यहाँ से डाल करके जोड़ देंगे। अब इसमें हम 13 हाफ क्रोशिया बुनेंगे, इस छेद में 13 क्रोशिया, एक दो तीन चार, 13 क्रोशिया बुन लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इसमें हमने 13 क्रोशिया बुन ली है, इसे यहाँ से डाल करके जोड़ देंगे। अब यहीं से हम सेकेंड कलर की ऊन जोड़ेंगे, आप जो भी अपना सेकेंड कलर लगाना चाहती हैं यहीं से जोड़ लीजिए। यहीं से हमने सेकेंड कलर की ऊन जोड़ ली है, आप
फंदे की चैन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। अब इसे देखिए, ये सीधी साइड है, इसे उल्टी साइड में घुमाएंगे, उल्टी साइड से इसे उसी छेद में डाल करके जोड़ देंगे। देखिए उसी छेद में डाल करके जोड़ देंगे। अब फिर से लेंगे 13 फंदे की चैन, और ये 13, इसे उसी छेद में डाल करके जोड़ देंगे। फिर से लेंगे 13 फंदे की चैन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर से उसी छेद में डाल करके इसे जोड़ देंगे। और ये उल्टी साइड है, इसे सीधी साइड में घुमाएंगे। पहले हम हाफ क्रोशिया बुनेंगे, फिर धागा लेंगे, फिर दो से निकालेंगे। ऐसे ही हम 9 क्रोशिया बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब फिर से देखिए, 1 और 2 बार धागा लेंगे, दो दो से निकालते जाएंगे। अब 3 बार धागा लेंगे, 1, 2, 3। फंदा देखिए, फंदा हम 1, 2, 3 दो दो से निकालते जाएंगे। फिर से 1, 2 फिर से 9 क्रोशिया बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। फिर से 1 हाफ क्रोशिया बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो ये छेद है उसी छेद से डाल करके इसे जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब फिर से दूसरी पत्ती बटाएंगे, उसमें पहले हम 1 हाफ क्रोशिया बुनेंगे। अब जैसे हमने ये पत्ती बुनी है, अब 9 क्रोशिया बुनेंगे। जैसे हमने ये पत्ती बुनी, इसी तरह से बुन लेते हैं। यहाँ पर भी हमने 9 क्रोशिया बुन करके 1 हाफ क्रोशिया बुनी है। अब इसे भी हम उसी छेद से डाल करके जोड़ देंगे, यहां से इसे जोड़ देंगे। अब तीसरी पत्ती बुनेंगे, पहले 1 हाफ क्रोशिया बुनेंगे और फिर 9 क्रोशिया। जैसे हमने ये पत्ती बुनी है, इसी तरह से ये पत्ती भी बुन लेते हैं। 1 हाफ क्रोशिया बुन करके इसे भी उसी छेद से डाल करके जोड़ देंगे। अब पीछे की साइड में घुमाएंगे, देखिए फंदे में डाल करके। ये वाली पत्ती हमने 4 बुनी है और ये पत्ती हमने 15 बुनी है और ये वाली पत्ती भी हमने 15 बुनी है। देखिए इसकी सिलाई आपको इस तरह से करनी है, पहले ये 4 पत्ती जोड़ेंगे, फिर इसके साथ में ये जोड़ते हुए ये लाइन पूर करेंगे, फिर ये पत्ती इसके साथ में जोड़ेंगे, फिर ये पत्ती इसके साथ में जोड़ेंगे। ये एक गोल हमने अगल से बुना है और इसके साथ में ये जोड़ते हुए ये लाइन पूर करेंगे और ये पत्ती इसके साथ में जोड़ेंगे। देखिए सिलाई आपको इस तरह से करनी है। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।